एक स्टैंड रख लेना, एक स्टैंड रहता है ना, स्टैंड रख लो, उसके ऊपर रख लो, है ना, फिर पकड़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। ओ मैं ज्ञान के विराम दस्य ज्ञानांजन सला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ जा रहे हैं वहां तक। हाँ, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म, अच्छा अच्छा नहीं, ये ठीक है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। आ रही ठीक से? उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहनी सभी को मैं जताजू को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग रासलीला के ऊपर में सुनेंगे। कहते ये रासलीला है क्या चीज, इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसके लिए उदाहरण देते हैं। बैठो कहाँ जाते, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे शरीर में प्राण है तभी ये शरीर का महत्व है। अगर शरीर में प्राण नहीं हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं। शरीर को पूरा सोने से पूरा शरीर को श्रृंगार कर दो लेकिन प्राण नहीं तो वो शरीर का कोई महत्व नहीं। कहते उसी तरह जितने हमारे शास्त्र है वैदिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम है क्या चीज, बोले जितने वेद पुराण उपनिषद ब्रह्म सूत्र गायत्री भाष्य का जितना सार है ये श्रीमद् भागवतम। कहते भागवत है क्या चीज, बोले ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है जिसको शास्त्र ने बताया कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवि सह कलो नष्टा दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदित। जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे इतने में उद्धव जी उसी समय थे, बोले प्रभु अभी हम में किसका सहारा लूँ, सारा जीवन हम एक साथ में रहे खाए एक साथ में खेले एक साथ में लीला किया, अभी तो हम आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, अभी हम किसकी शरण में जाए। तब कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन जगत में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूँ। बोले किस रूप में, बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है तेन अयं बांगमय मूर्ति, भगवान स्वयं शब्द ब्रह्म रूप में वाणी रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में कलयुग में विद्यमान है। कहते जो व्यक्ति कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा, भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना एक ही बात है। जो कथा सुन रहे कथा नहीं सुन रहे हैं वो मेरे साथ में साक्षात रूप में उनकी मिलन हो रहा है ये भागवत। इसलिए कलयुग में धर्म ज्ञान को लेकर के भगवान कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में भगवान विद्यमान। इसलिए पद्म पुराण में बताए बोले पादौ जदयौ प्रथम द्वितीयौ, बोले भागवत क्या है, बोले कृष्ण स्वरूप है। भागवत में द्वादश खंड है, भागवत में द्वादश चल रहा है, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं था। इसलिए कहते जो भागवत में द्वादश स्कंध है, कहते जो द्वादश स्कंध है प्रथम द्वितीय स्कंध
ये भगवान की दो चरण हैं। तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की दो उरु हैं। पंचम स्कंध भगवान की नाभि। षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की दो हाथ। अष्टम स्कंध भगवान की बक्षस्थल। नवम स्कंध भगवान की कंठ। दसम स्कंध भगवान की मुखारविंद। एकादश स्कंध भगवान का ललाट। द्वादश स्कंध भगवान का सर। कहती जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय। जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए ये भागवत कौन है? ये कृष्णा स्वरूप ये भागवत है, हैं? लेकिन इस शरीर में सबसे सुंदर क्या है? शरीर का जो मेन अंग क्या है? बोले मुखारविंद है। जैसे शशिकला, हम कैसे बताएंगे ये शशिकला? अगर पूरा इसकी शरीर हो, सर नहीं हो, शरीर हो, हम देख करके पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं हो, केवल शरीर, केवल मुखमंडल हो ना, हम पहचान लेंगे ये कौन है शशिकला, ये राग लेखा है, हैं? केवल मुख को देख करके हम पहचान जाते हैं। कहते उसी तरह कदि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का कदि ये सार क्या है? बोले ये है भगवान की ये दसम स्कंध है, क्योंकि दसम स्कंध में भगवान की लीला है। भगवान की लीला सुंदर सुंदर जो मीठी मीठी लीला है, मधुर मधुर लीला, कहती ये श्रीमद् भागवत का दसम स्कंध है। लेकिन दसम स्कंध में ये भगवान का तो मुखारविंद है, लेकिन एक व्यक्ति सुखी ना दुखी हम कैसे पहचानेंगे? कहते उसको हंसी देख करके, हैं? अगर उसका किसी व्यक्ति का हंसी अगर दिख रहा है, वो हंस रहा है, क्या समझेंगे? ये खुशी है। अगर मुंह लटका हुआ हो, हम समझ जाएंगे ये दुखी है, ये सुखी नहीं। कहते उसी तरह भागवत कृष्ण स्वरूप, दसम स्कंद भगवान की रासलीला, लेकिन उसमें जो हंसी क्या है? कहते हंसी है ये श्री रासलीला, हंसी ये रासलीला। और उसमें प्राण क्या है? जैसे शरीर है, अगर प्राण नहीं हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं, समझ रहे हो? प्राण, इसलिए शरीर में अगर जान प्राण नहीं हो तो शरीर बेकार है। उसी तरह हमारे पंच प्राण हैं, अपान उद्दान बयान, ऐसे करके पंच प्राण हैं, हैं? उसी तरह कहते भागवत में ये प्राण क्या है? बोले ये रासलीला। मतलब संपूर्ण भागवत ग्रंथ में जो सार है ये रासलीला ही भागवत का ये सार है। कहते भैया ये रासलीला क्या चीज है? ये रास क्या है? कहते जो रस स्वरूप है वो भगवान, जिनको उपनिषद में बताया रस बैस रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवती, मतलब है रस स्वरूप भगवान कृष्ण है, आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। इसलिए जीव को पूर्ण आनंद कब मिलेगा? जब ये जीव भगवान की सेवा करेगा, भगवान की सेवा और भगवान से मिलेगा जीव, तभी जीव को पूर्ण आनंद मिलता है। जो रासलीला जो है, जहाँ पर ये जीव संपूर्ण रूप में कृष्ण सेवा, कृष्ण को साथ में विहार करना, कृष्ण को साथ में जीव जब मिलन होता है, ये दिव्य रास है, हैं? इसलिए रास मतलब होता है रसानाम समूह इति रास, जहाँ पर केवल रसी रसे है, जहाँ पर भगवान को साथ में नृत्य गीत गाना बजाना मिलना है, भगवान के साथ कुंज में भगवान की सेवा करना ही यही रास है। इसलिए गोस्वामियों ने जब रास की महिमा को गा रहे हैं, वो महिमा उसको बताते 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 लास्ट में बोल दिया, भैया जो रास लीला नहीं केवल मधुर मधुरम मधुरम मधुरम, लास्ट में यही बोल दिया, केवल मिठाई 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 ये रास लीला है। क्योंकि भगवान का हर चीज मधुर है, इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं बल आधरंग मधुरंग बदनंग मधुरम
आसितांग माधुरम चरितांग माधुरम गामनांग माधुरम चरितांग माधुरम माधुराधिपते राखिलांग माधुरम। इसलिए वल्लभाचार्य कहते भगवान की सब कुछ भगवान की मिठाई मिठाई है, इसलिए पूरा के पूरा आनंद रस स्वरूप श्री भगवान कृष्ण चंद्र है। इसलिए कहते जो रासलीला है, कहते रासलीला चार ही तरह का रास भगवान की। एक रास है नित्य रास है, भगवान रोज रोज ब्रज में रासलीला करते, एक नित्य रास है, और एक रास है भगवान की महारास है, एक है शारदीय रास है, और एक श्री बासंती रास है। भगवान की चार ही रास है भगवान की हैं, चार ही रास है। इसलिए कृष्णा जब बंसीवट को नीचे से वृंदावन में शरद पूर्णिमा में जो रास किया है, जहाँ पर सारी गोपियाँ हैं हैं, जिसमें श्रुतिचरी, जिसमें दंडाकरण के ऋषि लोग, जिसमें श्री हैं कहते श्री जनकपुरी की जो स्त्रियाँ, जिन जिनों ने सब पूर्व पूर्व जन्म में सबके सब कठोर कठोर साधन भजन किया है, वो सबके सब जहाँ पर सबके सब गोपियाँ मिल करके रास किया, वो रास को कहते हैं ये शारदीय रास है। कहते बासंती रास किसको कहते हैं, बोले जिस रास में केवल कृष्ण पक्ष जहाँ पर गोपियाँ रही, और जिस रास में राधा रानी की महिमा को पूर्ण रूप में जिसमें स्थापन किया है, कहते ये श्री बसंती रास है। कहते एक रास है महारास है, एक महारास और एक रास है श्री भगवान की नित्य रास। ऐसे रास चार ही तरह का भगवान की ये रास है। अभी हम जो रासलीला सुनेंगे ये कौन सा रास है, बोले श्री शारदीय रास है। शरद पूर्णिमा में जहाँ पर बंसीवट को नीचे वृंदावन में जो रास करते हैं, कहते श्री ये शारदीय रास है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्री रासलीला को वर्णना करने जा रहे हैं, वो जो पहला जो श्लोक उच्चारण करते हैं ना, वो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वो श्लोक क्या है, बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायांगमुपाश्रिता। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग है भगवान अपि, ये जो अपि शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। बल भगवान अपि मतलब क्या है, बोले भगवान होते हुए भी उन्होंने रासलीला किया है। बोले भगवान होते हुए भी मतलब क्या है, यदि कभी कभी हमारे भारत में भगवान की रासलीला सुन करके, क्योंकि 7 करोड़ गोपियों के साथ में उन्होंने रास किया है, हैं गोपियों के साथ में, अभी कोई कोई रासलीला सुन करके भगवान के ऊपर में कभी कभी कटाक्ष कर देते, अरे ये क्या कृष्णा ये धर्म स्थापन करने के लिए आए। कहते ना जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्म से तदात्मान सृजामि। भगवान जगत में क्यों आए हैं, बोले धर्म को स्थापन करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए। इसलिए बाद में जाकर सुखदेव गोस्वामी पर प्रश्न करेंगे, परीक्षित महाराज जो जगत में धर्म स्थापन करने के लिए आए, फिर उनने इस पराई गोपियों को लेकर के भगवान ने फिर रास क्यों किया है, फिर प्रश्न करेंगे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये कोई पराई नहीं है, ये सबका सब अपना है। गोपियाँ कौन है, हैं जैसे उदाहरण दिया कृष्ण हैं, कृष्ण की भाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होगी। राधा रानी वो एक एक भाव को एक एक उन्होंने गोपी रूप धारण किया है, ये गोपी नहीं, कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, मतलब आनंद चिन्मय रस की एक एक मूर्ति है। ललिता विशाखा चंपकलता, कहते राधा रानी के अंदर में जो एक एक भाव है, जो कला है, जो आर्ट से है, वो एक एक मूर्ति गोपी हैं। इसलिए कृष्ण को बताया आत्मा राम,
मतलब जो आत्मा में रमण करते हैं। उदाहरण दिया, अगर इसी हाथ से, अगर इसी हाथ को इसे पकड़ लिया, कोई दोस्त थोड़ी है। अगर अपना हाथ से अपना शरीर को आलिंगन किया, कोई दोस्त थोड़ी है। दोस्त है कोई? दोस्त नहीं। इसका मतलब कृष्ण जो गोपियों को साथ में मिले, ये गोपियाँ और कोई नहीं, ये कृष्ण ही, राधा रानी, राधा रानी के भाव ही एक एक गोपी है। इसलिए कृष्ण और किससे नहीं मिले, कृष्ण खुद खुद से मिल रहे हैं, खुद खुद से मिल रहे हैं। ये एक कथा है। दूसरी है, ये गोपियों ने पूर्व पूर्व जन्म में बड़े कठोर साधन भजन किया है, हैं? जब भगवान राम गए श्री दंडकारण्य में, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, गोपाल मंत्र में भगवान की आराधना कर रहे थे, हैं? लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी। मंत्र तो जप कर रहे थे गोपाल मंत्र, लेकिन उनको कोई उत्साह नहीं थी, कोई सिद्धि नहीं मिल रही थी, हैं? लेकिन जब भगवान राम वहाँ पर पहुँचे, अभी राम और श्याम देखने में बराबर है, अभी उन्होंने राम को देख करके श्याम को याद आया भगवान कृष्ण की, तब उन्होंने उनको पति रूप में प्रार्थना किया। कृष्ण बोले नहीं, ये रामावतार में एक पत्नी को छोड़ करके और मैं किसी को ग्रहण नहीं करूँगा। उन्होंने जगत को सिखा दिया है, राम का जो लीला है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, हैं? ये सिखा देते हैं, हमें भी एक पत्नी को साथ में हमें भी रहनी चाहिए, और पत्नियों को भी एक पति को साथ में ही रहनी चाहिए। इसलिए बोले और मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। फिर वो जितने बोले सबके सब कृष्ण अवतार में आओ, जब मैं कृष्ण बन करके आऊँगा, पूर्ण ब्रह्म बन करके आऊँगा, फिर तो मैं सबको स्वीकार करूँगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सब जो मेरे पास में आएंगे सब मैं सबको मैं ग्रहण कर लूँगा। इसलिए कहते कुछ वेदों का जो मंत्र था वो लोग भी भगवान की कठोर आराधना की। जब भगवान संतुष्ट हुए बोले बताओ क्या चाहिए, बोले प्रभु गोपियाँ जैसे आपको प्रेम करती हैं हम ऐसे आपको प्रेम करना चाहते हैं। बोले नहीं, और कोई चीज़ मांगो, ये दुर्लभ चीज़ है, और कोई चीज़ मांगो। बोले नहीं, हमें और कुछ चीज़ नहीं चाहिए, हमको तो केवल गोपी भाव से आपकी सेवा करना है। भगवान बोले ठीक है, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। जब भगवान राम जनकपुरी में गए, अपना गुरु जी विश्वामित्र जी से बोले गुरु जी थोड़ी सी आदेश दे दो, ये जनकपुरी दर्शन करके आए। बोले दर्शन करने करना नहीं, दर्शन दे करके आओ, हैं? दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में गए, क्या सुंदर है, एक श्याम रंग के, एक गौर रंग के, एक पीतांबर, एक नीलांबर धनुष धारण किए हुए, मुकुट पहने हुए, जब उन्हें जनकपुरी में गए, जो एक बार उनको देख लिया झरगो से, उन्होंने हल्ला मचा दिया जनकपुरी में, क्या दो सुंदर बालक आए हैं। बोले से राम लक्ष्मण की जय। उनने पूरा हल्ला मचा दिया जनकपुरी में, मानो एक साथ में चंद्र सूरज एक साथ में प्रकट हो गए। जो देखे और जो सीता की सहेलियां थी ना, सब कुमारियां, सब झरक से देख रहे थे, कोई छत के ऊपर ऐसे ऐसे देख देख रहे थे। लेकिन भगवान राम कभी सर उठा करके नहीं देखते थे, सर को नीचा करके जाते थे। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले जीव को भगवान के साथ में मिला है, ये गुरु का काम है। इसलिए अभी ऊपर जो सखियां खड़ी हुई थी ना, वो सोच रहे थे हम प्रभु का दर्शन करें। कहते एक तो श्याम रंग के, एक गौर रंग के, गौर मतलब गोरे, श्री लक्ष्मण गोरे और कृष्ण राम काले, दुर्बादल श्याम। लेकिन अक्सर करें देखना जो गोरे है ना अच्छी होती हैं, जो गोरी गोरे होते हैं सुंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा ये गोरे को भी मात करने वाले काले हैं, हैं? मतलब उससे भी ज़्यादा सुंदर ये काले हैं। अभी सखियाँ ऊपर में खड़ी थी और ऐसे देख रही थी, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा था कि भगवान ऐसे सर करके हुए चल रहे थे। इतने में ऊपर मतलब थोड़ा खासे, मतलब थोड़ी सी अगर हो, राम थोड़ी सी ऊपर में सर उठा करके देखे और प्रभु का दर्शन हमारी हो जाए। इतने में लेकिन प्रभु देख ही नहीं रहे थे। इतने में लक्ष्मण बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर देखो ना, देखो भक्त लोग आपको दर्शन के लिए तरस रहे, थोड़ा ऊपर देखो। बोले लक्ष्मण नहीं,
ये मायापुरी जनकपुरी खबरदार इधर उधर मत देखो, सर नीचा करके चलो, हैं सर नीचा करके चलो। लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार झांक करके देखो ना, इतने में गुरु है ना, अभी गुरु, अभी गुरु जी प्रार्थना किए जे दर्शन दो जीवों को, उन्होंने थोड़ा झांक कर जब देखे जितने सब जनकपुरी का सब कुंवरियां थी लड़कियां, वो तो प्रभु को देख रहे वहीं बेहस हो। जब बेहस होकर जब होश आया सब राम का पीछे पड़ गए, बोले हमसे शादी कर लो। राम बोले लक्ष्मण शादी करो अभी, देखो पहले मैं मना कर रहा था, हाँ देखना नहीं, तुमने देखा ना, अब तो शादी करो इनसे। राम बोले नहीं, इसी अवतार में एक सीता के सिवाय मैं और किसी को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा ना तुम सबके सब गोपी बन करके आओ, तभी मैं स्वीकार करूंगा। वो सबके सब गोपी बने। भगवान राम जब अयोध्या में राजत्व किए, 11,000 साल राजत्व किए, हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम, बगैर पत्नी के तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते हो, पत्नी साथ में होनी चाहिए तभी कोई शुभ काम होता है। अभी तुम्हारी तो पत्नी है ही नहीं, सीता को तुमने त्याग दे दिया, वो तो जंगल में चली गई। तेरे पिताजी 3 शादी किया था, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तू और एक शादी कर ले। बोले राम सीता को छोड़ कर गया और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता है। बोले और कोई उपाय बताओ। बोले और एक उपाय है, आप सोने की सीता बना करके बाम पार्श्व में रख करके आप यज्ञ कर सकते हो। बोला हाँ ये तो कर सकता हूँ। ओ हर साल एक एक सोने की सीता बनती थी, हैं फिर वशिष्ठ जी उसमें प्राण संचार करते थे, वो जो सोने की सीता वो साक्षात सीता बन जाती थी। अभी कहते इतने सीता सब गए का, पर ये सब के सब कृष्णा अवतार में ये सब के सब गोपी बन करके आए और भगवान ने उनके सारी इच्छाओं को पूरी की। मतलब है कृष्ण कहते ऐसे के देवता है कृष्ण, कुबजा भी कुबड़ी भी आई उसको भी ग्रहण कर लिए हैं, और सुपर्णखा वो भी प्रभु की शादी करने के लिए आई, प्रभु इसको स्वीकार कर लिए हैं। कहते श्री कौन आए, कहते श्री पुतना भी आए, भगवान उसको भी कल्याण कर दिए। मतलब कृष्ण ऐसे के देवता है, आप किसी रूप में केवल कृष्ण के शरण में आ जाओ, कृष्ण कुबड़ी हो, काली हो, गोरी हो, और कोई राक्षस भी क्यों नहीं हो, भगवान सबको भगवान ने कृष्ण स्वीकार किया, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम जन्मित्र परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण, वो सबको ग्रहण कर सकते हैं, उनको समर्थ है क्योंकि वो पूर्ण है, हैं वो पूर्ण है। इसलिए यहाँ पर बताए भगवान अपी, कोई कोई कहता अरे भगवान क्या केवल दूसरे दूसरे लड़कियों को लेकर नाच सकते हैं, कि हम नहीं नाच सकते हैं, हैं हम नहीं नाच सकते हैं। बोले नहीं तुम नहीं नाच सकते, क्यों, कृष्ण भगवान है। भगवान मतलब जो कि भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान मतलब सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है, हैं सबका जो मालिक है, जिनके अंदर में पूर्ण रूप में 6 ऐश्वर्य हो, क्या क्या है, समग्रसस्य वीर्यस्य, समग्रसस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस श्रीय ज्ञान वैराग्य शैव शरणांग भव इति गणः। इस श्लोक को याद कर लेना, ठीक है। इसलिए समग्रसस्य ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, जस, ज्ञान, इस सब चीज को जो पूर्ण रूप में जिसको अंदर में हो वो भगवान है। भगवान जीव नहीं, वो भगवान है। अब देखना एक व्यक्ति का अगर 2 पत्नी हो एक घर में रहे, एक व्यक्ति का 2 पत्नी एक घर में रहते, देखना दिन भर नाटक चलेगा, दिन भर लड़ाई झगड़ा अशांति दुख कष्ट सारा दिन लड़ाई झगड़ा। हाँ बोले एक समय एक व्यक्ति का 2 पत्नी थे। अभी पति दिन भर काम करता है, करके सोचता है घर में जाऊंगा थोड़ा शांति मिलेगी, पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, हाँ पास में बैठ कर पंखा जलाएगी, गर्म गर्म रोटी खाना खिलाएगी। लेकिन घर में आए महाभारत, रोज घर में
लड़ाई, वो कहते वो मेरे को ऐसे बोल दिया, बोले पहले मेरे को उसने ऐसे बोली थी, तीसरी कहते मेरे को उसने गाली दी, अभी घर में अशांति, उसने सोचा इनके लिए मैं 2 मंजिले मकान बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर तो शांत रहेगा। लेकिन जो नीचे रहती है ना, वो पहले से खाना पीना बना करके रखती है, जब पति आए ना पकड़ कर जोर जबर तो नीचे ले जाती है, और जो ऊपर रहती है वो परेशानी है परेशानी। एक दिन जो ऊपर थी वो भी खाना पीना बना करके नीचे आकर बैठ गई, आज मैं मजा चखाऊंगी। जब पति आए काम से, बोले रोज रोज नीचे चली जाती हो, मैं ऊपर बैठी रहती, चलो ऊपर में। पति को पकड़ करके ऊपर में ले जा रहे थे, इतने में जो नीचे बैठी हुई थी ना, बोले मैं भी तो खाना पीना बना कर बैठी हूँ, कहाँ जा रहे हो? एक तो हाथ पकड़ कर ले जा रहे और एक टांग पकड़ ली, एक ने टांग पकड़ ली और एक ने हाथ पकड़ लिया, और छोड़ना कोई नहीं चाह रहे। और वो कह रहे भैया छोड़ो छोड़ो, मेरे को क्यों पकड़ कर रखे, अभी छोड़े नहीं। इतने में उसके घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था, उसने चोरी किया करेगा तो भूल गया चोरी करना, वो देखने लग गया घर में अगर 2 पत्नी हो घर में कैसे नाटक होता है। बड़े देर में उनकी झगड़ा शांत हुई तो बोला अरे चोर घर में, पकड़ो चोर को, पकड़े और पुलिस को पास में ले गए। बोले इसको क्या सजा दिया जाएगा, क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? चोर ने कहा सब पनिशमेंट में ग्रहण करने के लिए राजी, एक पनिशमेंट मत दो। बोले कौन सा? बोले मेरे घर में 2 बीवी नहीं होनी चाहिए। 2 बीवी बोले एक व्यक्ति का अगर 2 हो जाए ना, कितने लड़ाई झगड़ा। लेकिन कृष्ण का कितने थे, कहीं कहीं आता है कृष्ण जब रास कर रहे थे 100 करोड़ गोपियां, 100 करोड़ समझते हो, 100 करोड़ कितना होता है? एक, 10, 100, 1000, 1 लाख, नियुत करोड़, मतलब 7-8 0 तो बहुत है। इसलिए कृष्णा 100 करोड़ गोपियों के साथ में रास गया, कहीं कहीं आता है 300 करोड़ गोपियां थी, और हर गोपियां देख रही थी कृष्णा मेरे पास में, हर गोपियां देख रही थी कृष्णा मेरे पास में, ये नहीं देख रही थी दूसरों के पास में भी है, लेकिन सबको पास में। और राधा रानी केवल देख रही थी कृष्णा सबको पास में और कृष्णा मेरे पास में है। अगर सबकी इच्छाओं को अगर कोई पूरी कर सकते है ना, केवल कृष्ण ही सबकी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं पूरी कर सकते हैं। इसलिए यहां पर बता, बोले भगवान अपी, मतलब भगवान होते हुए भी भगवान ने क्या किया, रास लीला किया। कहती भगवान है, ये भगवान है, केवल यही रास ही कर सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं कर सकते। दूसरा अर्थ है, मतलब भगवान अपी, मतलब भगवान होते हुए भी उन्होंने ये रास रचाए हैं। कहते ये रास क्यों रचाए, फिर भगवान होते हुए भी, कहते भगवान का यहाँ पर 4 वार प्रयोग किया है। कहते ये भगवान कौन है, बोले साक्षात मनमथ का मनमथ है भगवान, मदन मोहन भगवान एक नाम श्री मदन मोहन है, मतलब जो काम देव को भी जो मोहित कर सकते हैं। कहते आत्मा राम अपि अरि रमत, मतलब वो स्वयं पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होते हुए भी उन्होंने ये रास लीला किया है। और बोले जोग मायांग मुपाश्रिता, कहते उन्होंने जो रास लीला किया है जोग माया को आश्रय करते हुए उन्होंने श्री रास लीला किया है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान होते हुए भी उन्होंने रास लीला क्यों किया है, कारण किया है रास लीला करने का। तो यहाँ पर बताए, कहते भगवान की और जितने सब लीला है ना दूसरों के लिए, जैसे मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन राम, अगर ये सब लीला देखोगे ना, ये सब दूसरों के लिए भगवान किया है। मत्स्य बता रखी हुए वेद को उद्धार करने के लिए, कुर्मा बता रखी हुए पृथ्वी को पीठी के ऊपर धारण किया, बराह बता रखी क्यों किया पृथ्वी को उद्धार किया, नृसिंह बता रखी क्यों किया प्रहलाद के लिए, बलि रूप में क्यों आए बाली को प्रेम कृपा, बामन रूप में बाली को ऊपर कृपा करने के लिए, रामावतार में क्यों आए इसलिए रावण को वध करने के लिए। ये जितने भगवान हुए ना वो दूसरे के लिए आए। कहते जो रासलीला भगवान जो कर रहे हैं वो दूसरों के लिए रासलीला नहीं कर रहे, केवल भगवान अपना लिए ही भगवान रासलीला कर रहे हैं।
अपना लिए ही भगवान रासलीला कर रहे हैं, अपना आनंद के लिए, अपना सुख के लिए भगवान रासलीला, दूसरों के लिए नहीं, केवल अपना लिए ही वो रासलीला है। इसलिए यहाँ पर शब्द है मनश्चक्रे, ये आत्मनिपद मतलब केवल भगवान अपना लिए भगवान रासलीला किया। कहते भगवान अपि, हाँ कहीं कहीं व्यक्ति भगवान को ऊपर में कटाक्ष करते हैं, बोले क्या कटाक्ष करते हैं, अरे भगवान सब क्या क्या सब लड़की को लेकर क्या नाच को देखे हैं, कभी कभी कहते हैं। तब एक टीकाकार हुए जिनका नाम था श्रीधर स्वामी, और श्रीधर स्वामी कह रहे हैं अरे नहीं, ये जो रास लीला है ना भगवान की काम विजय लीला है। साधारण लोग कहते हैं ना भगवान ने काम में मुग्ध होकर के गोपियों को साथ में नृत्य के, बोले नहीं, कहती ये काम विजय लीला, मतलब ये लीला के द्वारा उन्होंने काम को ऊपर में उन्होंने विजय प्राप्त किया है। काम के ऊपर में कहते कैसे विजय प्राप्त किया, कहते एक दिन श्री कामदेव का, कामदेव नाम सुने हो, ये जगत में हमें जो पागल बना कर रखा ना ये कामदेव है। जगत में हमें जो संसार में जो आसक्ति में हम पड़े हुए हैं, संसार में क्यों पड़े हुए हैं, आसक्ति पद से पत्नी का प्रति आसक्ति, बच्चे का प्रति आसक्ति, पति को प्रति आसक्ति, दुकान मकान घर द्वार में हम आसक्ति। कहते ये आसक्ति हमारे जीवों के अंदर में किसने दिया, बोले ये कामदेव ही सब जीव को संसार में पागल बना कर रखे। हम संसार में सब पागल है, हैं, इसलिए पागल बना कर रखे हैं। इसलिए कामदेव एक दिन सोच रहा है मैंने सबको ऊपर में मैंने सबको जीत लिया है, हैं, बोले सबको जीत लिया, बोले किसको किसको जीत लिया, बोले शंकर जी को भी मैंने जीता है, शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी, बोले उनको भी मैंने काम में उनको भी मुग्ध कर दिया, क्योंकि उनने जो भगवान के मोहिनी रूप को दर्शन किया था, शंकर जी अपना पार्वती को फेंक करके उनने मोहिनी को पीछे भागे थे, हैं, मोहिनी को पीछे, इसलिए बोले उनको भी मैंने मुग्ध किया। बोले श्री ब्रह्मा जी को अपना बेटी को जन्म दिया, लेकिन उनकी बेटी इतनी सुंदरी थी, ब्रह्मा अपना बेटी को देख करके मुग्ध हो गए और अपना बेटी को पीछे पीछे भागे, बोले उनको भी मैंने, हैं, उनको भी वशीभूत किया। बोले श्री विश्वामित्र जी बहुत बड़े साधु है, पर्वत के ऊपर में तपस्या कर रहे थे, मेनका स्वर्ग की एक अप्सरी मेनका, कहते मेनका की जब वहां पर गई नुपुर की झंकार सुने ना, उनने सारे भजन भजन छोड़ करके उसको पीछे चले गए, हैं। इसलिए नारद जी कहते नारद तो लक्ष्मी के ऊपर आसक्त हो गए, लक्ष्मी के ऊपर आसक्त होकर के उनको शादी करना चाहे, बोले उनको भी मैंने मोहित किया। बोले इंद्र बोले अहल्या को प्रति आसक्त हो गए, हैं, अहल्या के ऊपर आसक्त होकर के पता नहीं उनको कितने दुर्दशा भोगना पड़ा। बोले सारा दुनिया को मैंने सब देख लिया, हैं, सबको देख लिया, लेकिन सारा दुनिया को तो देख लिया, लेकिन अभी केवल भगवान को साथ में लड़ाई नहीं हुई। भगवान तो आए, जैसे मत्स्य अवतार में आए थोड़ी समय के लिए आए चले गए, कुरमा अवतार में आए थोड़ी समय के लिए आए चले गए, बरहा अवतार में आए आए चले गए, लेकिन राम अवतार में भी आए। मैंने कोशिश किया राम अवतार में भी उनको मुग्ध करने के लिए, लेकिन जिस समय सीता जी की हरण हो गई, सीता जी रावण ले लिया, भगवान राम भी सीते के लिए हा सीते बोल करके लता पता हाँ तौरु सबको पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो, बोले उसी समय मैंने कोशिश किया है। लेकिन जब कृष्णा अवतार में आए उनको भी मैंने पागल बनाने के लिए कोशिश की, बोले कब मैंने कोशिश किया, उन्होंने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। एक दिन कामदेव श्री कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु सबका हाथ में मैंने साथ में दो दो हाथ कर लिया, दो दो हाथ समझते हो लड़ाई किया है, लेकिन सबको मैंने परास्त कर दिया, लेकिन केवल आप ही बाकी रह गए, आ जाओ आपको साथ में युद्ध करना चाहता हूँ। बोले जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, जब सत करोड़ गोपियों के साथ में मैं रास करूंगा, तभी तुम मेरे साथ में युद्ध करने के लिए आओ, क्योंकि खेलने के लिए तो मैदान चाहिए ना, प्लेयर चाहिए, हैं, इसलिए तभी मेरे साथ में आना युद्ध करने के लिए। कामदेव ने कहा क्या बोल रहे, जब सत करोड़ गोपियों को साथ में रास करेंगी, निर्जन रात होगा एकदम रात 12 बजे, जहां पर सुंदर चंद्रमा का किरण छिटकता हुआ होगा, बेली चमेली जूई सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ होगा, हैं, वहां पर तो जमुना नदी कलकलनाथ में बहती हुई होगी, एक साथ में 6 ऋतु जहां पर प्रकट होगा, सारे काम उद्दीपक वस्तु,
और गोपियां कितने सुंदरी है, जानते हो कितना सुंदरी गोपियां है? कहती है पृथ्वी में जितने स्त्रियां है ना, उनके अंदर में जितने सुंदरता, पृथ्वी में जितने स्त्री है उनकी सुंदरता को एक जगह में कर लो, और जितने सुंदर होगा, कहते स्वर्ग में जो एक अप्सरी होती है स्वर्ग की, कहते उसको साथ में बराबर है। समझो स्वर्ग में अप्सरी कितने सुंदरी हैं। कहते हैं बोले इनकी सुंदरता को एक एकत्र कर लो, वे जितने सुंदरी होगी, कहते इनकी सुंदरता को मिलाओगे तो एक लक्ष्मी को साथ में होती है, और लक्ष्मी इतने सुंदरी है, अनंत करोड़ लक्ष्मियां हैं। कहते इनकी सुंदरता को एकत्रित कर लो तो फिर जा करके एक गोपी इतनी सुंदरी है ब्रज में, इतने सुंदरी गोपी है, इसलिए तभी जाकर, इसलिए कृष्ण कभी कभी कहते सुमध्यमा, कृष्ण कभी कभी गोपियों को कहते सुमध्यमा, मतलब एक स्त्री के अंदर में जितनी सुंदरता होनी चाहिए सब गोपियों के अंदर में, फिर जाकर गोपियों के साथ में। बोले राधा रानी कितना सुंदरी है, बोले इनकी सुंदरता को एकत्रित कर लो, ये जितने सुंदरी होंगे राधा रानी के चरण के नख की जो छटा है ना, राधा रानी के नख के चरण की जो छटा है, छटा समझते हो, उसका जो प्रकाश है उसको उसी में ही समा जाएंगे, इतने राधा रानी सुंदरी है। समझ रहे कि नहीं? राधा रानी की जो टो है, कहते उसमें जो एफलजेंस है राधा रानी की, कहते गोपियां सारे मिल करके भी उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए राधा रानी इतने सुंदरी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, इसलिए इतने सुंदरी। इसलिए कामदेव ने कहा, कामदेव तो हंसते हंसते चले गए, बोले ठीक है आपको हम दिखाएंगे। बोले कब? जब वृंदावन में रास करोगे। जब कृष्ण रास लीला कर रहे थे उन्होंने कामदेव को बुलाया, कामदेव तो अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गया। बोले अस्त्र किया, बोले उनको धनुष जो ना पुष्पक धनुष है, उनको पुष्पक धनुष, और उनके पास पांच बाण है, सन्मोहन उच्चारण स्तंभन शोषण करके पांच बाण है उनको पास में। उनने ब्रह्मा शंकर जी के ऊपर में एक बाण उनने छोड़ा था, एक एक ही बाण, और उनको सब परास्त कर दिया, डाउन कर दिया सबके सब। लेकिन कामदेव ने देखा, लगता है कृष्णा ज्यादा पहलवान है, हैं ज्यादा पहलवान, इसलिए इनके ऊपर में एक साथ में सारे बाण को चलाओ। उन्होंने उठाया धनुष, उन्होंने बाण को खींच करके कान तक लिए, और भगवान के ऊपर में उनने छोड़ा। छोड़ते ही कृष्ण तो सब गोपियों को छोड़ दिए, सारे गोपियों को छोड़ दिए कृष्णा। कामदेव बोले हे भगवान, गोपियां इतने सुंदरी, इतने सुंदरी, और यहाँ पर निर्जन रात सुंदर फूल खिले हुए, कृष्ण एकदम पूर्ण जवानी है, गोपियां जवानी, और इतने सुंदरी गोपियों को मैंने बाण प्रहार किया तो आसक्त नहीं हुए, सब छोड़ दिए। कृष्ण ने कहा और बाण है? बोले एक चांस है। बोले क्या? बोले आपके साथ में सबसे सुंदरी राधा रानी है, हैं? फिर उनने उठाया पांच बाण को और धनुष को पर चढ़ा करके उन्होंने मारे। लेकिन कृष्ण श्री राधा रानी को भी त्याग दे कर कृष्ण अकेले चले गए। बोले और बाण है? बोले सारे बाण मेरा फेल हो गया। कृष्ण ने कहा अभी मेरे बाण को संभालो। कृष्ण का बाण धनुष क्या, देखो ये है ना, ये धनुष जैसे है, और कृष्ण का जो तेरी चितवन है ना, मतलब जो टेढ़ी नजर से कृष्ण देखते हैं, वो तीर है, हैं? वो तीर है। इतने में भगवान ने अपना जो कोटि कंदर्प रूप है, कृष्ण इतने सुंदर है, करोड़ों कामदेव जहां पर समा जाएंगे इतने कृष्ण सुंदर, कृष्ण जब अपना कोटि कंदर्प रूप उन्होंने प्रकाशित किया और कामदेव तरफ में एक बार केवल टेढ़े नजर से देख लिया ना, वो टेढ़े नजर नहीं, वो तीर है, हैं? वो एकदम कामदेव का इस पार से उस पार हो गया और कामदेव तो वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में उनकी पत्नी रति देवी, उनकी पत्नी रति आकर रोने लग गई। बोले प्रभु मेरे पति को आपने मार डाले, मेरे प्रभु को अपना प्राण दो, हैं? इतने में जब भगवान उसको होश दिलाया तब कामदेव कहते हे प्रभु मेरे को भी अपना चरण में एक दासी बना दो, मेरे को भी दस। इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ गया मदन मोहन, मतलब मदन कामदेव को जो मोहित करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्णचंद्र। हरि अंडरस्टैंड, थोड़ा इसलिए कृष्ण का नाम पड़ गया श्री मदन मोहन। बोले श्री मदन मोहन लाल की जय। इसलिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं ये जो भगवान की जो रास लीला,
ये काम विजय, मतलब भगवान काम के ऊपर विजय प्राप्त किया, काम को द्वारा मोहित नहीं हुए, ये सिद्धांत पक्ष में। लेकिन रस का पक्ष में भगवान गोपियों के प्रेम में संपूर्ण वशीभूत हुए। हैं लास्ट में उन्होंने उनके पास में प्रेम की भिक्षा मांगे, बोले ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं तुम्हारी ऋणी कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि तुम लोग ने मेरे लिए भाई बंधु पुत्र परिजन सब कुछ मेरे लिए तुम लोगों ने त्याग दिया, इसलिए तुम्हारी ऋणी हाँ ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर कभी तुम्हारी ऋणी को मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ। ठीक है, बिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। फिर हम 3 दिन बाद में फिर सुनेंगे, ठीक है, फिर उसको बाद में क्या होता है बंद कर दो उसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। जय श्री गुरु रंगनंदन का गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। मित्रिला विष्णु विष्णु पादर्शित श्रीमद्भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। मित्रिला विष्णु भक्त वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। मित्रिला विष्णु भक्त वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्त वेदांत स्वामी महाराज की जय। श्री गौर गोविंद महाराज की जय। सपरिकर प्रभुपाद की जय। भक्त वेदांत श्रीवन महाराज की जय। सिद्धांत महाराज की जय। जय श्री तीर्थ महाराज श्री माधव महाराज की जय। आनंद गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय।